नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी, यशस्वी जायसवाल। आज अपने यशस्वी से, आज अपनी काबिलियत से टीम इंडिया तक पहुंच गए हैं। आईपीएल 2023 में भी यशस्वी जायसवाल ने कमाल करके दिखाया, 600 से ज्यादा रन बनाए, शतक भी लगाया। कुल मिलाकर आईपीएल 2023 के बाद यशस्वी जायसवाल के जीवन में एकदम बदलाव आया है। लेकिन ये बदलाव कैसे आया, यशस्वी जायसवाल ने खुद उस वाक्य का जिक्र किया है जब महेंद्र सिंह धोनी से वो पहली बार मिले थे और महेंद्र सिंह धोनी ने उन्हें एक सलाह दी थी और उस एक सलाह ने यशस्वी जायसवाल को कह सकते हैं कि फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया। यशस्वी जायसवाल को स्टार खिलाड़ी बना दिया। यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया तक जा पहुंचे। तो धोनी ने आखिर क्या कहा था जायसवाल से, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान यशस्वी जायसवाल ने इस बात का खुलासा किया था कि वो महेंद्र सिंह धोनी से लाइव मैच के दौरान खूब मिलने की कोशिश करते थे, लेकिन वो कभी महेंद्र सिंह धोनी से मिल नहीं पा रहे थे। लेकिन आईपीएल 2023 में वो महेंद्र सिंह धोनी से मिले और महेंद्र सिंह धोनी से मिलने के बाद उनकी महेंद्र सिंह धोनी से कई टॉपिक पर बात हुई। लेकिन जब उन्होंने धोनी से पूछा कि मुझे कामयाब बनने के लिए, एक बड़ा खिलाड़ी बनने के लिए क्या करना चाहिए, तो धोनी ने उनसे दो लाइनें बोली। धोनी ने कहा, सबसे पहले अपना दिमाग ठंडा रखो। सबसे पहले अगर आप ठंडा दिमाग रखोगे, ज्यादा गुस्सा नहीं दिखाओगे, अग्रेशन नहीं दिखाओगे, तो आप बहुत ऊपर जाओगे। और दूसरी बात धोनी ने बोली कि अपने ऊपर भरोसा रखो। आप यह भरोसा रखो कि आप काबिल हो, आपके अंदर काबिलियत है। अगर आप अपने ऊपर भरोसा रखोगे तो आपको रोकने वाला इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। और धोनी की इन दोनों बातों ने यशस्वी जायसवाल के जीवन को बदल कर रख दिया। जो यशस्वी जायसवाल पहले एक आम खिलाड़ी के तौर पर नजर आते थे, वो 2023 में एकदम अलग बल्लेबाज नजर आने लगे। वो 2023 में एकदम अलग श्रेणी के बल्लेबाज दिखने लगे, अलग तरीके से बल्लेबाजी करने लगे। यशस्वी जायसवाल ने कहा कि ये बेशक दो लाइनें हैं, छोटी सी दो लाइनें हैं, लेकिन इन लाइनों पर अमल करना बड़ा मुश्किल होता है। आप सोचेंगे कि हाँ ठीक है, ठंडा दिमाग रखिए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दिमाग को वास्तव में ठंडा रखना किसी तपस्या से कम नहीं है। ये एक बहुत बड़ी तपस्या है अगर आप अपने दिमाग को ठंडा रख पाते हैं, और इसके लिए धैर्य की जरूरत होती है और धैर्य हर खिलाड़ी में नहीं हो पाता है। यशस्वी जायसवाल ने कहा कि वास्तव में जिस दिन से मेरी धोनी से मुलाकात हुई है, उसके बाद से मेरे जीवन के मोल बदल गए हैं, मेरे जीवन के मायने बदल गए हैं, मेरा खेल का तरीका बिल्कुल बदल गया है, मेरे दिमाग का जो पूरा एक सोचने की शक्ति है, वो तमाम सब चीजें बदल चुकी हैं। और इसी के भरोसे यशस्वी जायसवाल पहले आईपीएल में स्टार खिलाड़ी बने और उसके बाद में टीम इंडिया तक पहुंच गए हैं। तो जाहिर तौर पर धोनी ने जो सलाह यशस्वी जायसवाल को दी, उस सलाह के दम पर आज यशस्वी जायसवाल कामयाब है और टीम इंडिया तक सफर हो चुका है यशस्वी जायसवाल का। उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में ये खिलाड़ी इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाए और इसी तरीके से कामयाबियों की सीढ़ियों को चढ़ता चला जाए। तो आपका यशस्वी जायसवाल के इस बयान पर और धोनी की सलाह पर क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। और क्या लगता है आपको, यशस्वी जायसवाल क्या टीम इंडिया में वो मुकाम हासिल कर पाएंगे जिस मुकाम के सपने उन्होंने देखे हैं, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।